अभी आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन जियाउल्लाह की खिदमात कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस करके चार्जशीट भी तैयार कर ली है। इसी पर बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डायरेक्टर एंटी करप्शन के खिलाफ चार्जशीट में क्या इल्जाम लगाए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन है जियाउल्लाह तूरो और जो आजकल प्रिवेंशन सर्विसेज एकेडमी एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उसकी खिदमत वापस वफाक को कर दी है और इसी हवाले से जो एलामिया जारी की गई है और उस पर एक चार्जशीट भी लगा दिया गया है। जियाउल्लाह तूरो जो 3 साल कबल खैबर वफाक की जानिब से उसकी खिदमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हवाले कर दी गई है, तो उन पर जो चार्जशीट सामने आया है एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उसमें जियाउल्लाह तूरो पर उसका जो ओहदा है तो उसने गैर कानूनी जो मजाज रकम है उसकी वसूली की है। इसी तरह जो म्यूजियम में एक बड़ा केस आया है नवादरात के हवाले से, तो उसमें भी बताया गया है कि सरकारी जो अहलकार हैं वहाँ पर तैनात हो, तो उनको जियाउल्लाह तूरो ने हमेशा और अक्सर अवकात हरासा करने की कोशिश की और इस जियाउल्लाह तूरो ने जो बिलियन ट्री सोनामी प्राजेज हैं, यानी जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ी 1 अरब जो पौधे लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उस पर भी जियाउल्लाह तूरो पर एक इल्जाम लगा दिया गया है कि उन्होंने उसमें हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर दी। जी ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद।